हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज खास क्या है, क्या सिखाऊंगा, आइए आपको बताता हूं। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, यहां पर इसे सिलेक्शन में लेते हैं और सिलेक्शन में लेने के बाद सीधा सीधा यहाँ पर आते हैं होम टैब में। यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर आप कर देते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से आपके पास डेटा ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी एक डेटा है तो इसको भी सिलेक्शन में लेते हैं। आप यहां पर जाते हैं और क्लिक कर देते हैं तो यहां पर भी बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर इसको सेलेक्ट करके आप Alt H B A प्रेस कर देते हैं तो भी बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं तो इसमें कई सारे डेटाज आपके पास दिखाई पड़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डेटा होगा तो ये करना थोड़ा सा अनकन्वीनियंस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है वो आपको बता देता हूं। यहां से बॉर्डर पे चलिएगा और यहां पर ड्रॉ बॉर्डर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं ड्रॉ बॉर्डर। हाँ, और यहां पर आपको मिल जाता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रीड, तो ड्रॉ बॉर्डर ग्रीड पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहां से जाकर के आपको क्लिक करना है, एक बार फिर से देख लीजिए, ड्रॉ बॉर्डर ग्रीड पे क्लिक किया और फिर यहां से इसको चला दीजिए। जैसे ही चलाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब यहां पर चाहिए तो यहां पर भी चला दीजिए, ये बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। अगर यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर भी चला दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी एक डेटा हमारे पास मौजूद है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलम छोटा पड़ रहा है तो ये इस तरीके से आ गया है। अब इस पर भी आप चला देंगे तो इस पर भी बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये बॉर्डर कैसे अप्लाई करना, ये आसान तरीका है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।